गुड मॉर्निंग सर। कल मैंने आपको मदरबोर्ड दिखाया था। आपने देखा था मदरबोर्ड किस प्रकार से होता है। आज मैं आपको उसका प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। मदरबोर्ड इज अ मेन पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। वेयर All of the components or device are connected directly and indirectly। ये देखिए मदरबोर्ड का लग को इसी प्रकार से दिखाया था, ठीक है। टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के प्रकार, पहला इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड, नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड, डेस्कटॉप मदरबोर्ड, लैपटॉप मदरबोर्ड, सर्वर मदरबोर्ड, एटी मदरबोर्ड, एटीएक्स मदरबोर्ड। ये कैसे होते हैं देखिए। टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड बेस्ड ऑन डिवाइस दे सपोर्ट, इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड और नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम बोर्ड हैज मल्टीपल कंपोनेंट्स इंटीग्रेटेड इनटू द बोर्ड इटसेल्फ। दिस मे इंक्लूड द सी पी यू, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड एंड वायरलेस कंट्रोल कार्ड। देखिए नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड क्या होता है। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम बोर्ड यूजेस इंस्टेबल कंपोनेंट्स एंड एक्सपेंसिव कार्ड। फॉर एग्जाम्पल, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम बोर्ड मे अलाउ यू टू अपग्रेड द वीडियो कार्ड बाय रिमूविंग द ओल्ड वन एंड इंस्टॉलिंग अ न्यू वन। नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड टिपिकली हैव सेवरल पी सी आई एक्सपेंसिव स्लॉट हैज वेल। मतलब हमने पुराने बोर्ड जो आपके कार्ड होते हैं उसको हम चेंज करके नया इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड बेस्ड ऑन फॉर फैक्टर एटी और एटीएक्स। देखिए एटी मदरबोर्ड इस प्रकार से आपको शो होता है। एटी मदरबोर्ड इज अ मदरबोर्ड एंड विच हैज डायमेंशंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ सम 100 मिलीमीटर्स, बिग इनफ टू बी अनेबल टू फिट इट मिनी डेस्कटॉप। क्लियर है। एटीएस मदरबोर्ड देखिए एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड और पॉपुलरली नोन एज द एटीएक्स आर द मदरबोर्ड विच वेयर प्रोडक्ट बाय द इंटेल इन एमआईडी 90s एस एंड इम्प्रूवमेंट फ्रॉम द प्रीवियसली वर्किंग मदरबोर्ड सच एज है। इस प्रकार से शो होता है। हमको यूज़ के साथ में मदरबोर्ड किस प्रकार से, हम लोग डेस्कटॉप में मदरबोर्ड यूज़ करते हैं, लैपटॉप में मदरबोर्ड यूज़ करते हैं और सर्वर मदरबोर्ड, तीन प्रकार के जो हम लोग अधिकतर यूज़ करते हैं। डेस्कटॉप मदरबोर्ड आपको इस प्रकार से शो होगा। डेस्कटॉप मदरबोर्ड आर यूज इन पर्सनल और डेस्कटॉप कंप्यूटर एज इट यूज टू फॉर एप्लीकेशन एट होम एंड इट ऑफिस। दिस टाइप ऑफ मदरबोर्ड इज द मोस्ट बेसिक टाइप। ये जो मदरबोर्ड आपको दिख रहा है ये बेसिक टाइप का मदरबोर्ड है जो डेस्कटॉप में लगा होता है, जो हम लोग घर में ऑफिस में यूज़ करते हैं। देखिए कल हमने यहाँ पे दिखाया था आपको, यहाँ प्रोसेसर यहाँ पे लगा हुआ था, फैन लगा हुआ था उसके ऊपर। कल मैंने जो आपको एक मदरबोर्ड ओपन करके दिखाया था, ये रैम लगी हुई थी यहाँ पे, ये देखिए रैम के स्लॉट है। ये आपको नॉर्मल मदरबोर्ड है जो हम लोग डेस्कटॉप में यूज़ करते हैं। क्लियर है। लैपटॉप मदरबोर्ड देखिए, लैपटॉप मदरबोर्ड इस प्रकार से शो होता है कि लैपटॉप मदरबोर्ड मेरे पास उस तरह नहीं, मैं आपको उसको भी ओपन करके दिखाता। देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है। ये आपका डेस्कटॉप मदरबोर्ड है, ये आपका लैपटॉप मदरबोर्ड। लैपटॉप मदरबोर्ड इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ लैपटॉप सिस्टम। दिस मदरबोर्ड जनरली हैव वेरी एडवांस फीचर्स एज कम्पेयर टू द डेस्कटॉप मदरबोर्ड एंड मोस्ट ऑफ द फंक्शन हैव बीन इंक्लूडेड इनटू द लैपटॉप मदरबोर्ड। क्लियर है। देखिए इस प्रकार से शो होगा। फिर आपका सर्वर मदरबोर्ड जो सर्वर में लगा होता है। सर्वर मदरबोर्ड आर मोर एडवांस देन डेस्कटॉप मदरबोर्ड एंड आर डिजाइन ऑफ ऑफर हाई एंड सर्विस विच आर मोस्ट
more reliable and ready to operate in 24x7 environment. ये जो आपका सर्वर मदरबोर्ड होता है 24x7 environment को उसमें तैयार किया जाता है कि 24 घंटा आपका सर्वर आपका ऑन रहता है. इस प्रकार से कहें कि हीट ना हो, पूरी इसमें कूलिंग की व्यवस्था की जाती है. इस प्रकार से ये आपका सर्वर मदरबोर्ड होता है. क्लियर है? मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मदरबोर्ड कौन कौन से बनाते हैं मदरबोर्ड, हमारे बाजार में कौन कौन से उपलब्ध हैं. मदरबोर्ड आर अवेलेबल इन वेरियस साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन. सम मदरबोर्ड सपोर्ट 32 और 64 बिट प्रोसेसर एज वेल एज ऑपरेटिंग सिस्टम. इस मैन्युफैक्चरर्स बाय मैनी कंपनीज सच एज आयुष का आपको मदरबोर्ड मिल जाएगा, इंटेल का मिल जाएगा, MSI का मिल जाएगा, गीगाबाइट का मिल जाएगा. आप लोग बाजार में जब जाते हो तो आपसे दुकानदार पूछता है कि आपको किस प्रकार का मदरबोर्ड चाहिए, किस कंपनी का चाहिए. अपनी हम अपने हिसाब से उसको मदरबोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि 32 बिट और 64 बिट को प्रोसेसर को सपोर्ट करता है. क्लियर है? नेक्स्ट आयुष मदरबोर्ड, मदरबोर्ड मॉडल आपके दिख रहा है आपको, मैक्सिमम थर्ड जनरेशन ये आपके हैं. प्रोसेसर सपोर्ट इंटेल i7 को सपोर्ट करते हैं. ये प्रोसेसर सॉकेट ये रहेगा आपको. टोटल मेमोरी सपोर्ट 16 GB 8 GB. मेमोरी मॉड्यूल साइज, चिपसेट, इंटेल मदरबोर्ड देखिए आपको इस प्रकार. इंटेल मदरबोर्ड i5 सेलरॉन पेंटियम कोर ड्यूल को प्रोसेसर सॉकेट आपका ये सपोर्ट. इस प्रकार से आपको ये मदरबोर्ड बाजार में उपलब्ध होते हैं. पावर फैक्टर मदरबोर्ड रिप्रेजेंट द साइज एंड और सेव द मदरबोर्ड ATX, माइक्रो ATX, LPX, NLX, BTX, CMOS. देखिए ATX मदरबोर्ड आपको इस प्रकार से शो होगा. इम्प्रूवमेंट डन एज अ इजली टू यूज सपोर्ट फॉर द करंट एंड फ्यूचर इनपुट आउटपुट एंड आल्सो द करंट एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजी. ये देखिए आपको जो कल मैंने स्लॉट दिखाए थे PCI स्लॉट, PCI स्लॉट बोलते हैं उसको. ये फ्लैश बायोस चिप इस प्रकार से शो होती है. बैटरी आपको मैंने CMOS दिखाया था ये है. तो ये प्रोसेसर के CPU सॉकेट था आपको मैंने इसको ओपन करके फैन उसको ओपन करके दिखाया था. रैम के लिए आपको दिखाया था ठीक है. फ्लॉपी हमने बस आपको यहाँ से निकाल के दिखाई थी इस प्रकार से लगा होता है. माइक्रो ATX मदरबोर्ड आपको इस प्रकार से शो होगा. LPX मदरबोर्ड बेस्ड ऑन डिजाइन इस प्रकार से आपको शो होता है ठीक है. सपोर्ट करंट यूज हम लोग इस प्रकार से शो करते हैं. फिर BTS मदरबोर्ड, द BTS और बैलेंस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड फॉर्म फैक्टर अनलाइक इट्स प्रोसीजर इज नॉट फॉर द इक्विवेलेंट एज द प्रीवियस फॉर्म फैक्टर बट द टोटल ब्रेक अवे फ्रॉम द पॉपुलर एंड डायमेंटिंग ATX फॉर द फैक्टर. इस प्रकार से BTX के मदरबोर्ड आपको शो होता है. मदरबोर्ड कंपोनेंट्स, आपके मदरबोर्ड में कौन कौन से कंपोनेंट, क्लॉक जनरेटर, CPU सॉकेट, मेमोरी सॉकेट, एरर चेकिंग, बायोस रैम ठीक है. मेमोरी सॉकेट, मेमोरी एरर चेकिंग, बायोस रैम, CMOS रैम, बैटरी, चिपसेट, एक्सपेंशन स्लॉट, AGI पोर्ट, IDE पोर्ट, सीरियल पोर्ट, फ्लॉपी डिस्क पोर्ट, इनपुट आउटपुट कनेक्टर, USB पोर्ट हमने आपको दिखाया था, मेन पावर कंट्रोल कनेक्टर, फ्रंट पैनल कनेक्टिंग पिन, CPU फैन सॉकेट, नॉर्थ ब्रिज. ये आपके मदरबोर्ड में कॉम्पोनेंट होते हैं. ये देखिए कंपोनेंट आपको ये डिजाइन हो गई. ये आपको मैंने बताया कौन कौन से होते हैं. ये आपको मैंने CPU कंपोनेंट बताया. ये देखिए दिख रहा है आपको CDE, ये PCI, AG, ये देखिए CMOS बैटरी, चिपसेट. चिपसेट इज अ सेट ऑफ IC. IC का सेट जो होता है वो आपको क्या कहलाता है, चिपसेट कहलाता है. द कम्बिनेशन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ ब्रिज इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड द चिपसेट. द कम्बिनेशन ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ ब्रिज इन द कंप्यूटर इज कॉल्ड द चिपसेट.
ये नॉर्थ ब्रिज हो गया, ये साउथ ब्रिज हो गया, इन सब का कॉम्बिनेशन आपका क्या कहलाता है? चिपसेट कहलाता है। सुपर इनपुट चिप, सुपर इनपुट आउटपुट चिप इज अ सिंगल चिप विच कंट्रोल स्लोअर इनपुट आउटपुट डिवाइस विच आर नॉट कंट्रोल बाय द साउथ ब्रिज। ये देखिए आप किस प्रकार से, ये सुपर इनपुट आउटपुट चिप है आपका। मेमोरी सॉकेट आपने, मैंने आपको दिखाई थी जिसमें रैम लगी हुई थी। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेमोरी दैट करेंटली पॉपुलर यूज इन द पीसी, आरडी रैम, डीडीआर रैम, एसडी रैम। हम लोग डीडीआर अधिकतर ये अभी यूज कर रहे हैं। आरडीआर, आरडी रैम मेमोरी यूज इन पेंटियम फोर मदरबोर्ड टू नॉट। ये देखिए इसमें भी दो इसमें वो रहते थे, हाईस्ट कंफर्मेंट द मोस्ट एक्सपेंसिव। DDR RAM 128 MB, 256 MB, 512 MB में आती है, मीडियम हाई परफॉर्मेंस एंड मीडियम प्राइस। SDRAM लोवेस्ट परफॉर्मेंस एंड लोवेस्ट प्राइस। ये देखिए अभी आपकी इस प्रकार से हमें RAM शो होती है। CPU सॉकेट मैंने आपको ओपन करके दिखाया था इसको जिसमें हमारा प्रोसेसर लगा हुआ था। CPU सॉकेट और स्लॉट इन द एक्सटेंडर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट अटैच टू द प्रिंटेड सर्किट बोर्ड एंड इट इज डिजाइन टू द हाउस अ CPU आल्सो कॉल्ड एज अ माइक्रो प्रोसेसर। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट सॉकेट डिजाइन बाय द हाई पिन सॉकेट। CPU सॉकेट ऑन द मदरबोर्ड कैन मस्ट ऑफन बी फाउंड इन द मोस्ट डेस्कटॉप एंड सर्वर कंप्यूटर्स लैपटॉप टिपिकली यूज सरफेस माउंट CPUs पर्टिकुलरली दोज बेस्ड ऑन द इंटेक्स आर्किटेक्चर। रैम बायोस दिखाया था जो आपको ब्लैक ब्लैक करके दिख रहे थे बायोस, आपको इसको हम लोग बोलते हैं रैम बायोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी रोम, सॉरी रैम नहीं बोलो रोम बायोस। रीड ओनली रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी कैन बी रीड बट नॉट चेंज। हम इसको रीड कर सकते हैं जो इसमें लिखा है, इसको चेंज नहीं कर सकते। इस इज अ नॉट वॉलेटाइल स्टोरेज। इट रिकमेंडेड इज कंटेंट इवन वेन द पावर इज टर्न ऑफ। रोम चिप आर यूज टू स्टोर इंस्ट्रक्शन एंड कंप्यूटर नीड ड्यूरिंग द स्टार्टअप कॉल्ड फायरवेयर। सम काइंड ऑफ रोम आर पी रोम, ई पी रोम, ई रोम एंड सी डी रोम। सीमोस बैटरी आपको बताई थी मैंने, निकाल के दिखाई थी। देयर इज अ 3 वोल्ट बैटरी होती है ये। दिस बैटरी सप्लाई द पावर टू सीमोस रैम फॉर सीमोस रैम टू रिटेन द इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग सिस्टम पावर ऑफ द बैटरी मे बी लास्ट 5 or 3 years। इट्स मेन वर्क टू डेट एंड टाइम, जो आपके डेट एंड टाइम होता है इसी के माध्यम से मैनेज होता है। हमारा हमेशा अपडेट रहता है जब भी हम सिस्टम ओपन करते हैं, किसके माध्यम से? सीमोस बैटरी के माध्यम से। एक्सपेंसिव स्लॉट PCIe आपके स्लॉट है ये। साउंड कार्ड, मल्टी मीडिया, लैंड कार्ड, SSI कंट्रोलर कार्ड, इंटीग्रेटेड मॉडेम कार्ड, TV ट्यूनर कार्ड, एडिशनल हार्ड डिस्क कंट्रोलर कार्ड, या आपके स्लॉट दिए जाते हैं इसमें, हम लोग इसमें लगाते हैं इसमें। क्लियर है? AGP पोर्ट, ये AGP पोर्ट है। AGP एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट इन द हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर पोर्ट। दिस पोर्ट इज यूज बाय द डिस्प्ले एडाप्टर कार्ड एंड द डिमांड सो मच डेटा विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इनपुट आउटपुट USB पोर्ट मैंने आपको कल दिखाया था, पीछे जो सिस्टम में कंप्यूटर लिखे रहते हैं। ये माउस के लिए बताया था, कीबोर्ड के लिए बताया था, USB पोर्ट बताया था, प्रिंटर के लिए बताया था, ये CPU जो मॉनिटर लगाते हैं उसके लिए बताया था। लाइन के लिए आपको दिखाया था मैंने, लाइन इन लाइन आउट साउंड के लिए माइक इन आपको ये मैंने बताया था। इस प्रकार से हम लोग इसको, ये आपको डेमो था, आगे क्लास में